बागी क्रिकेट लीग का आज बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। बागी क्लब का मुकाबला अमान सुल्तान क्लब, जो भी हारेगा होगा आउट, जो भी जीतेगा खेलेगा क्वार्टर फाइनल शाहीन सुपर किंग के साथ। इजाज़ बॉलिंग कराते हुए गोलमेल, अच्छा शॉट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक स्कोर का इजाफा। खैरुल्ला ने पहला ओवर कराया था, पहले ओवर में दो कीमती विकेट हासिल किया खैरुल्ला ने। फजल मीर को चलता किया और उसके साथ फारूक शिरानी को चलता किया। अमान सुल्तान के कप्तान निहायत ही टेंशन का शिकार, जबकि बागी क्लब के कप्तान हाशिम निहायत ही खुशगवार मूड में। दूसरे ओवर का खेल जारी, अरसलान सामना करेंगे इजाज का, अच्छा शॉट खेला इजाज ने, बहुत ही करारा छक्का लगाया है इजाज ने, अरसलान ने। स्कोर बढ़ता हुआ 17, दूसरे ओवर का खेल जारी, दो छक्के लगा चुके हैं अरसलान। इजाज बॉल कराएंगे, ओहो फुटास बॉल थी, लेग बाई हुई है। अंपायरिंग के फरज सर अंजाम दे रहे हैं एहतिशाम खान उस्ताना, जबकि उनका साथ दे रहे हैं अल्ताफ मुनीर, हजार अल्ताफ। ओह एक बार फिर उड़ता हुआ शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 23, स्कोर 23 स्कोर, दो ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर हुआ 23। तमाम देखने वाले शायकीन से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दें किसी भी पेज पे, अपनी टाइम लाइन पे, किसी भी ग्रुप में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना इस मैच से इंजॉय हो सके। एक बार फिर हाशिम ने ओवर दिया है खैरुल्ला को, खैरुल्ला को ये ओवर पिछले ओवर की तरह भी टाइट करना पड़ेगा अगर मैच में जमे रहना है तो। हाशिम दो कीमती विकेट हासिल की थी पहले ओवर में, फजल मीर और फारूक शिरानी को आउट किया था। दो ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर हुआ है 23। खैरुल्ला बॉल कराएंगे गुलमीर को, अच्छा शॉट खेला है, 4 रन हो जाएंगे, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा, 4 रन। वालेकुम अस्सलाम, पहली गेंद पे शॉट लगाया है 4 रन के लिए। आज जीत जीते, अच्छा टेंशन कौन है, खैरुल्ला ओवर कराएंगे, और नो बॉल हो सकती है, नो बॉल करार दिया है। हेलो लाइव चलता भाई, लाइव चलता भाई, तो चाहे लाइव चलता हां ग्राउंड तो निकलो, तो बाहर होनी है, कहां तक होगा बाहर, अच्छा हट होना ना हट, तो चक्कर नो बॉल दी है हाशिम अन्ना की टीम। फ्रीट मिलेगी अरसलान को, फरूक और गुलमीर फजल मीर आउट हो चुके हैं, गुलमीर को आज पहले ओवर में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। आज अरसलान जरहाना अंदाज से खेलते हुए 3 छक्के, 4 छक्के लगा चुके हैं, स्कोर बढ़ता हुआ। अरसलान ने आज 2 किलो कीर पिए, 33 होगा मेरे ख्याल में, 4 छक्के लगा चुके, 33 अभी लगे ही है, कहीं नहीं एक चौका उम्र है, त्रीजा ओवर है, पहले ओवर 3-4 स्कोर आई वाशमा असामे अना दुई ताली वही जख पाया, खैरुल्ला छक्का खाया है अरसलान से, देखते हैं अब अगली बॉल पे क्या करते हैं। एक बार फिर नो बॉल हो सकती थी, लेकिन नो बॉल भी नहीं दी और कैच आउट भी नहीं हो सके। नो बॉल की अपील कर रहे हैं बैट्समैन, लेकिन अंपायर का कहना था कि ये नो बॉल नहीं है, खैरुल्ला बॉल कराएंगे गुलमीर को, अगली बार को देखेंगे क्या हो रहे हैं। करारा छक्का गुलमीर की तरफ से, 6 रन, निहायत ही जरहाना इनिंग्स जारी है।
अमार सुल्तान की। फजल मीर, फजल मीर आज डक पे आउट हुए थे। खैरुल्ला ने पहला ओवर अच्छा कराया था लेकिन दूसरे ओवर में काफी स्कोर लगा हुआ है। खैरुल्ला बॉल कराएंगे गुलमीर को। ओहो यार कर गेंद थी। ओहो गुलमीर को पता ही नहीं था कि पीछे फील्डर मौजूद है। दो रन चुरा लिए हैं गुलमीर और सलान ने। तीसरे ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद सुहेल घलू ये दो टीमें हैं बागी क्लब बामुकाबला अमान सुल्तान। अमान सुल्तान है करामत अमान की जबकि बागी क्लब है हाशिम अन्ना की टीम। हम कहते हैं बड़ा ही जोरदार टाकरा है। जो भी टीम हारेगी बाहर होगी टूर्नामेंट से। अन्ना को ओह एक बार फिर जाकर बॉल कराई है। पीछे फील्डर मौजूद है। दो रन हो जाएंगे, दो रन हो जाएंगे, दो रन हो गए। तीसरे ओवर का हुआ इख्तिताम। स्कोर टोटल हुआ है फरूका ओ फरूका 46। तीन ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर हुआ है 46। बहुत अच्छे, बड़ा अच्छा टारगेट निकाला है। पहले ओवर में बेशक दो विकेटें गिरी थी और स्कोर भी नहीं लगा था लेकिन उसके बाद दो ओवरों में अच्छी खासी पिटाई की है। आप देखेंगे स्कोर भी अभी नहीं। अब मास्टर कह रहे हैं कि वो खुद आते हैं ओवर पे। मास्टर किफायत आए हैं बॉलिंग के लिए। हाशिम अब देखेंगे, अब आए हैं ओवर के लिए मास्टर किफायत। बैटिंग पे आया कीरी अरसलान जरहान आइनिस खेलते हुए। चार छक्के अब तक लगा चुके हैं तीन ओवर में। अरसलान मिल्क सेंटर मास्टर किफायत बाल कराएंगे मोहम्मद अरसलान किंग को। अब अरसलान सामना करेंगे मास्टर का। पहली गेंद पे दो रन का इजाफा। नोबा 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 का इशारा। हमारी टीम अभी चौथा हो जाए कितना कमेंट्री सारे हमारे ये मसला कोई यार साइड है कूड़ साइड है कूड़ यार साइड है कूड़ कहे नहीं मैं त्राय मैच खेली खड़ा मैं कहीं तेरे हो रही थी यार त्राय मैच मैं खेला मैं कुछ कहीं नहीं है क्या साइड नो था। अब देखेंगे अच्छा शॉट एक बार फिर खेला है फील्डर मौजूद है। एक स्कोर का इजाफा तो हो ही गया है। दो स्कोर बनाने की कोशिश नहीं की बिल्कुल भी नहीं की। थ्रो किया है फिर भी मास्टर किफायत दो गेंदें अच्छी करा चुके हैं। अब देखेंगे तीसरी बार स्कोर बढ़ता हुआ 49 कम 50 नो बॉल कौन है यार नो बॉल कहा नहीं ना ना 49 मास्टर किफायत अच्छा शॉट खेला गुलबीर ने। फील्डर मौजूद है देखते हैं क्या होता है। फील्डर कैच ड्रॉप हो गया है। लंबे दड़ंग हुए फील्डर थे लेकिन उनसे कैच ड्रॉप हो गया है। लगता है सामने उनके आंखों के सीज आ गया था सूरज की रोश हाँ शुआ नहीं है बल्कि सीज खुद आ गया था। मास्टर किफायत अच्छी बॉलिंग करते हुए तीन गेंदों पे 5 स्कोर खाए अभी तक। ओह नो बॉल होगी नो बॉल यकीनी तौर पे नो बॉल हुई है। दूसरी तरफ फिर मुंह में लगा फ्री हिट मिलेगी अरसलान को। स्कोर बढ़ता हुआ 53 पिछली डबल है ये डबल है चौथे ओवर का खेल जा रही। स्कोर हुआ है 53 फ्री हिट मिलेगी अरसलान को। होने नाल मास्टर अच्छा शॉट खेला है अरसलान ने सीधा हवा में गेंद गई है। 6 रन हो जाएंगे तकरीबन और ये 6 रन हो गए हैं। बाहर गया हुआ था फील्डर कैच जरूर किया था लेकिन फील्डर बाहर गया हुआ था। अरसलान आज जरहाना काफी अर्से बाद जरहाना इनिंग खेलते हुए 5 छक्के लगा हार शेम की कबख्ती 5 छक्के लगा चुके हैं अरसलान। मास्टर को पहला छक्का लगा है फुलटॉस गेंद फील्डर मौजूद है देखते हैं क्या होता है। अच्छी फील्ड किया है इस्लामीर ने। आखिरी गेंद बाकी है अभी स्कोर बढ़ता हुआ 53 यूनाइटेड 61।
चौथे ओवर का खेल जारी है, स्कोर थिया खड़े 60, गुलमीर सामना करे सी मास्टर किफायत दा, अच्छी बैटिंग जारी। मास्टर ने जी में आह की थी, उमें जोरदार छक्का लगे, स्कोर वधदा हुआ 66, चार ओवर च बड़ा जोरदार स्कोर लग चुके। दरविंदा इथा की था गए, दरविंदा कोई बाहर की तरफ, ए सड़ा करा और शाजमल के दरमियान क्वाइट क्वाइट बड़े ने पीनी पूछे तू इतना ही। चार ओवर में स्कोर हुआ है 66, जिसको उर्दू में कहेंगे 66, सराकी में कहेंगे 68, पश्तो में कहेंगे शपाश। चार ओवर में स्कोर हुआ है 66। एक बार फिर ओवर के लिए आए इजाज मुनीर, करामत अमान निहायत ही खुशगवार मोड में गन्ना खाते हुए। इजाज बाल कराएंगे अरसलान को, सिंगल हो गया है, ओहो ट्रैक ठीक हो सकती थी लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, डबल यकीनी हो सकता था लेकिन गुलमीर ने मना कर दिया। इतनी मिस फील्डिंग हो रही है आज हाशिम की टीम की, इतनी मिस फील्डिंग हो रही है, पता नहीं कितनी मिस फील्डिंग हो रही है। अब अन्ना को किसने गुलमीर, स्कोर बढ़ता हुआ 67, 10,000 सलाम भेज दिया इसलिए। इजाज बाल कराएंगे गुलमीर को, ओहो यार्कर लेंथ बाल कराई है इजाज ने, आखिरी ओवर आप पता नहीं कौन करेगा इनका। सरवर खान सबरनाक आया हुआ है जी, आए तो या रामतुल्ला कराएंगे या सबरनाक कराएंगे। एक बार फिर अच्छी बाल कराई है, ओवर स्कोर बढ़ता हुआ 68। अहमद वजीर ज्यादा क्रोध ना कर, अच्छे तरीके बोल, ठीक है सर जी इवें करा दे पाए। अच्छा शॉट खेला है अरसलान ने, फील्डर मौजूद है खैरुल्ला, अच्छी फील्ड की है, रनर खड़ाया गया है अरसलान का, रनर इजाद अच्छा ओवर कराते हुए, अभी तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, अच्छा शॉट खेला है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, देखते हैं क्या होता है, चौका हुआ है या छक्का हुआ है, छक्का हुआ है, शानदार, अंपायर अपने हाथ नहीं निकाल रहे बाहर, सीधे किकरिंग की तरफ फ्लैट छक्का लगाया था। सजाद मुनीर सामने खड़ा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है फ्लैट सिक्स था, स्कोर बढ़ता हुआ 74 75। एक बार फिर यार्कर लेंथ बॉल थी, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, सिंगल हो गया है, दूसरे की कोशिश है लेकिन रोक दिया है दूसरे से। सोहेल गल्लू इंशाल्लाह तोरे सलाम, जूही सजाद मुनीर सारे नेड़े आंदे, सबुरनाक बॉलिंग पे आ रहा है, तोरे सलाम पुचा रहे थे हसन, पांच ओवर में इख्तिताम ते स्कोर था 76, सबुरनाक अगले ओवर सबुरनाक कराएंगे, आखिरी ओवर कौन कराएगा, स्कोर अच्छा खासा हो चुका है, स्कोर हुआ है अच्छा और खासा 76, पांच ओवरों के इख्तिताम पे। दूसरा दिन है मैं स्टैंड भूल जाता हूं जिसकी वजह से मुझे खुद भी टेंशन होती है, इंशाल्लाह कल वाले मैच पे स्टैंड जरूर आएगा। कल आपको गेम होगा समझे ना, हां आपको आगे में ना बोले मेरे आने चाहते हैं, हां बेनजीर रहमतुल्लाह आए आखिरी ओवर कराने के लिए, पांच ओवरों में स्कोर हुआ 76, आखिरी ओवर अच्छा करना पड़ेगा रहमतुल्लाह को अगर मैच में रहना है तो। खूबसूरत बॉल कराई है, एज निकला है, लाइन नो क्रॉस हुई है, बिल्कुल नो क्रॉस, नसीब रावड़ा इनके साथ जो जीतेगा उनके साथ हमारा होगा, कल है परसों में जो भी है, कल मैच है आते निकल वैसे निकल वैसे जे रहर सी बारो नसीब ने अच्छा शॉट खेला, सामने फील्डर सजाद मुनीर मौजूद है,
देखते हैं। बाल को पकड़ तो लिया था लेकिन थ्रो कर दिया था अंदर। कोई भी चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। इनाम खान, ये मैच हो रहा है बर्फखाना ग्राउंड पर। रहमतुल्ला दो गेंद अच्छी करा चुके हैं। नसीब ने अच्छा शॉट खेला था लेकिन इजाज ने अच्छी फील्डिंग की थी। फुटराज गेंद, नसीब का जोरदार करारा छक्का। स्कोर बढ़ता हुआ इंडिया की बाउंड्री की तरफ जा 84 इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। स्कोर बढ़ता हुआ 84 रहमतुल्ला एक बार फिर एज निकला है। दो स्कोर हो जाएंगे यकीनी तौर पर, दो हो जाएंगे। नसीब जरहाना बैटिंग करते हुए, बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए। नसीब नहीं, सिर्फ नसीब, नसीब वजीर, सिर्फ नसीब वजीर, खुश नसीब गाना इजाज मुनीर को सजा। ठीक है जी, अल्ताफ मुनीर भी मौजूद है, उनको भी आपके सलाम दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। एज निकला है एक बार फिर यकीनी तौर पर दो रन हो गए हैं। 10 रन तो बस। 88 स्कोर आखिरी बॉल। इजाज मुनीर आखिरी बॉल। इजाज मुनीर और सजाद मुनीर को आपके सलाम दे दिए जाएंगे। 88 रन, 88 रन, 88 यार मैं गिरता बैठा। ईमानदार आखिरी गेंद होगी मेरे ख्याल में इस ओवर की। रहमतुल्ला अच्छा खासा स्कोर खा चुके हैं। ओहो हो, लेग भाई कह रहे हैं कि हुई है लेकिन दो रन बनाएंगे। हाशिम, हाशिम ये देखे हाशिम अन्ना ने भाग दौड़ के डबल रन बना। पूरा टारगेट हुआ है 90 रन का टारगेट हुआ है अन्ना की टीम के लिए। बहुत ही अच्छा टारगेट सेट किया है अमार सुल्तान की टीम ने। अच्छी बैटिंग की है गुलमीर ने। इसको दो दफा मुंह में लगा इसलिए ना, स्कोर भी किया है ना, फ्रेश होता रहता है। 90 रन का टारगेट मिला है। खैर उन्होंने पहला ओवर अच्छा टाइट कराया था लेकिन उसके बाद जो इनकी खल पट्टी गई है। सजाद मुनीर आपको अहमद वजीर की तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम अहमद वजीर। अल्ताफ मुनीर आपको भी सलाम अहमद वजीर की तरफ से। नहीं गलत गल नहीं, ये देखें सरवर खान सबरनाक को आज ओवर नहीं दिया गया। 90 रन का टारगेट मिला है डू और डाई मैच है हाशिम के लिए। आज हाशिम को खुद जाना पड़ेगा आज बैटिंग के लिए। लगता है हाशिम खुद तैयारी में है। ये है सरवर खान सबरनाक, वेरी गुड। अहमद वजीर आपके सलाम पहुंचा दिए गए हैं। इजाज मुनीर को भी, सजाद मुनीर को भी, अल्ताफ मुनीर को भी, तीनों मुनीर को सलाम आपके पहुंचा दिया गया अहमद वजीर की तरफ से। ये है इजाज मुनीर, वालेकुम सलाम। खजी टीम आई नहीं है। हाशिम खुद तैयारी करते हुए सेफ गार्ड भी मेरे ख्याल में 12-14 नंबर का पहन। उन्हें को बॉलिंग कौन ही यार, उन्हें को बॉलिंग कौन ही। इजी काम, इजी गो, सब बैटिंग करो बस। सजाद मुनीर को आज जरहाना इनिंग खेलनी होगी अगर मैच में जीतना है तो। अशामा जल्दी करो यार, मेरा हाथ थक गए। तुम पकड़े नहीं इन को पकड़ने तो इनको नहीं। गलत बात उसे परेश का, वो भी एक गोए मैं नपेना पकड़े ना नस। हां नपेना भी तो वो इको गाल है ना। गलत इनको नपेना, गलत बात उसे परेश करे। मैं किसको नपेना, किसको? अच्छा मोबाइल का कह रहे थे आप। फिर मैं अगले गलत बात उसे करें। ये मैच दुबई, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन, बरतानिया, तुर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ ये मैच देखा जा रहा है। और सरवर खान सबरनाक भी इस मौके पे मौजूद है। खैरुल्लाह नसर, रहमतुल्लाह शेख, गुलमीर, इस्लामीर, इजाज मुनीर, बहुत अच्छी फील्डिंग की है, बहुत अच्छी फील्डिंग की आज बड़ी टीम ने। कैमरा सही इन।
पाकिस्तान हां तो चार बनाऊंगा ये कितना ही कितना वाला उन्हें तेरे को वाला कल स्टैंड गिनो सो इंशाल्लाह वो तेरे को यार पहले गिनना है ओके स्टैंड कौन है मैं गया ये पाकिस्तान क्रिमिनल बड़े जा मेरा थोड़ा बीमार है वो डॉक्टर को घिन गया उठाओ को बस जल्दी वजह सीधा है नहीं तेरे का घर गया हां याद नहीं आया फकीर वाला पंप रिटी हां सामने जरा घर है ओ कौन यार हाशिम और सजाद को अच्छी तरह बैटिंग कर बिल्कुल अहमद वजीर आपकी बिल्कुल बात ठीक है हाशिम और सजाद को विकेट भी रोकनी होगी स्कोर भी करना होगा सजाद मुनीर ऐसे प्लेयर हैं जो कि ये स्कोर आसानी से चेज कर सकते हैं अगर उनकी बैटिंग चलती है तो पिछली सीरीज के फाइनल में लीग के फाइनल में अच्छी बैटिंग की थी सजाद मुनीर ने गेंदा ने यार अंधारा थी ना पाए भाई दीवार का तो हराम दा माल है कौन बड़ाई बेटे बो मैच कहां हो रहा है बड़ाई दे मां दुआ कुश्ती मैच कर ना खुशी दुआ कर ना अन्ना की टीम अभी पली है बाद आना टीम जो भी टीम जीतेगी वो खेलेगी शाहीन सुपर किंग मुचानी वाला के साथ जो टीम हारेगी वो जाएगी नापेगी घर का रास्ता अपने घर का रास्ता बिस्मिल्लाह ये मेरे सपोर्टर आए हैं कल इन्होंने मेरी पर्ची उठाई थी भाई की वेरी गुड मेरी पर्ची भाई की मैं भाई में चला गया था ना भाई में चला गया तीन टीमों के टास्क किए थे एक टीम आगे चलेगी दो टीम ये आपस में खेलेगी सोबत इंशाल्लाह मैच जीतने के बाद पहला ओवर कराएंगे हाफिज खलील सामना करेंगे सजाद मुनीर हाफिज खलील ओवर कराएंगे सजाद मुनीर को पहली बॉल अच्छी कराई अंपायर एहतशाम की तरफ से वाइट बॉल का इशारा स्कोर गिर दिया भाई यार पहली बॉल वाइट कराई हाफिज खलील ने हाफिज खलील बॉल कराएंगे सजाद मुनीर को एक बार फिर एम्पायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा दो गेंदें कराई हैं दोनों वाइट आई है आगाज तो अच्छा हुआ है देखते हैं क्या होगा अंजाम सरवर खान सबरनाक कह रहे हैं कि ये मैच हम ही जीतेंगे हाफिज खलील बॉल कराएंगे सजाद मुनीर को दो गेंदें वाइट करा चुके हैं हाफिज खलील तीसरी बॉल अच्छी कराई है अच्छा शॉट खेला सामने फील्डर मौजूद है सैयद शाह इनाम कासिम इनाम कासिम ने अच्छी फील्ड किया है एक स्कोर का इजाफा स्कोर बढ़ता हुआ तीन एक गेंद हुई है 90 रन का टारगेट है 6 ओवर्स में सरवर खान सबरनाक को हम अपने कैंप पे आने पे खुश आमदीद कहते हैं हाफिज खलील बॉल कराएंगे हाशिम को हाशिम आज कप्तानी वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी हाशिम को ओहो हो अच्छा बॉल कराया है हाशिम का बल्ला लूज हुआ था कोई भी बात नहीं है एक बॉल मिस हो ये अब आगे छक्के देखो अन्ना की तरफ से दाल खवाए अन्ना की तरफ से छक्के देखो आज दाल निकालनी पड़ेगी अन्ना को हाफिज खलील बॉल कराएंगे हाशिम को ओहो अंपायर की तरफ से नो बॉल का इशारा दो रन हो जाएंगे यकीनी तौर पे दो रन टोटल स्कोर तीन मिला है इस गेंद पे फ्री हिट मिलेगी हाशिम अन्ना को टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 6 अन्ना को फ्री हिट मिली है बॉल चेंज करो दो गेंदे हुए हैं स्कोर आया 6 फ्री हिट भी मिली है क्या होता है फ्री हिट पे देख लेते हैं हाशिम का बल्ला मिस होते हुए आज मिस होते हुए तीन गेंदे हो चुकी हैं तीन गेंदे स्कोर हुआ है 6-6 नो बॉल आई ये तो ज्यादा ठीक है ठीक है अन्ना बुरी तरह मिस होते हुए कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए हाशिम को क्योंकि 5 ओवर पड़े हुए हैं खैरुल्ला ने पहला ओवर बड़ा ही अच्छा कराया था 3-4 रन लगे थे खैरुल्ला को 28 स्कोर जो लगा तो 28 वाले उनके पास भी मौजूद है ना करामा तमान खुद भी ओवर कराएगा 4 गेंदे हो चुकी हैं स्कोर हुआ 6
अच्छा शॉट खेला हाशिम ने, फील्डर मौजूद है लेकिन कैच नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल में। दो रन यकीनी तौर पे हो जाएंगे, दो रन तो भाग के बना लिए हैं, तीन रन भी हो जाएंगे और हाशिम आउट होने के चक्र में हाशिम रन आउट हो गए। दो रन मिले थे लेकिन कोई भी जरूरत नहीं थी हाशिम को भागने की। हाशिम ने अपना रनर खड़ाया हुआ था, उस रनर ने बेड़ा गर्क किया है हाशिम का। अब आए हैं इजाज मुनीर, दोनों मुनीर की जोड़ी, सजाद मुनीर और इजाज मुनीर। स्कोर बढ़ता हुआ 8। हाफिज खलील अच्छा ओवर कराते हुए, सजाद मुनीर को बाउंड्री करनी पड़ेगी आखिरी गेंद पे। फुटास गेंद थी लेकिन यार कर लेंथ बॉल थी, ओवर नहीं पूरी, ओवर हुआ है मेरे ख्याल में। पहले ओवर के खिताब स्कोर हुआ है 8। ओवर कौन खेला था बंदे पीछे, कौन है गुल्ला ओवर त्यासी नसीबा ओवर त्यासी भैया कौन है कुछ है ना ज्यादा को आकर टिक के खेले। विकटे को बल्ला नंबर नहीं, आगे विकटे का ये हाल है। हाँ थोड़ा छोटा होगा चले कहीं कम दादा है तो बहुत बड़ा है। टारगेट है 90 रन का, पहले ओवर में आए 8 स्कोर, 5 ओवरों में 82 स्कोर बाकी हैं। दूसरा ओवर कराने के लिए आए हैं फारूक शिरानी, शेख शिरानी, शिरानी पहले ओवर के एग्जाम पे स्कोर हुआ है 8। सामना करेंगे जाज, बॉल कराएंगे फारूक शिरानी। पहली गेंद वाइड बॉल है, नो बॉल है, पीछे नीचे गेंद लगी है, नो बॉल हुई है, फ्री हिट मिलेगी। स्कोर बढ़ता हुआ 9। पहली गेंद इजाज को फ्री हिट मिली है, एक बॉल हो गए 9 स्कोर, पहली गेंद फ्री हिट। फारूक बॉल कराएंगे इजाज को, आहा यार कर लेंथ बॉल कराई है, बिल्कुल भी नहीं समझ सके। बड़े स्कोर के प्रेशर तले काफी टेंशन का शिकार इजाज, कोई भी खास स्कोर नहीं है अगर ये अच्छी बैटिंग करें तो। फारूक शिरानी बॉल कराएंगे इजाज को, अच्छा शॉट खेला सीधा हवा में, फजल मीर नीचे कैच के मौजूद और अच्छा कैच झपड़ने में कामयाब, और इस तरह इजाज मुनीर की इनिंग्स का हुआ है खात्मा। चिकट में नहीं भरे। अब आए हैं रामतुल्ला शेख, समीर समीर अमीर है, इस्लाम अमीर, इस्लाम में भी अमीर है, इस्लाम में भी अमीर है, इस्लाम में भी अमीर है, इस्लाम में अमीर है। दूसरे ओवर का खेल जारी, 2 विकेट गिर गई हैं। स्कोर हुआ है 9। फारूक अच्छी पेस निकालते हुए, अमान सुल्तान की टीम काफी मजबूत पोजीशन में मैच पे पूरी तरह हावी है दूसरे ओवर तक। अच्छा शॉट खेला है आहा बहुत ही लंबा छक्का लगा है, इस छक्के के मेरे ख्याल में 8 रन मिलने चाहिए। स्कोर बढ़ता हुआ 15। किसकी तरफ जाएगी दूसरे ओवर का खेल जा रही है, लेग पे डाल बॉल डाली थी सजाद मुनीर ने, करारा छक्का लगाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 15। खैरुल्ला 15 है ना, बॉल पर गड़ता हुआ हाशिम याद स्कोर गिनो अपना। दूसरे ओवर का खेल जा रही, छक्का लगा है पिछली बॉल पे, एक बार फिर अच्छी बॉल कराई है, वाइड बॉल का इशारा दिया है तो सामने। स्कोर बढ़ता हुआ 16। कितने बॉल, बालों का कोई पता नहीं है, बालों का कोई पता नहीं कितनी बॉलिंग है। एक बार फिर छक्का होगा, दो रन छक्का होना चाहिए, यकीनी तौर पे छक्का होना चाहिए,
छह रन हक बनता है 6 रन। और लेकी करते यार, और लेकी करते 6 रन है आजम, और लेकी करते फजल मीर यहीं की करते छक्का यार छक्का, और लेकी करते 6 रन। भाई पागल को झलो छक्का मिला है, दो गेंदों पे 2 करारे छक्के लगे हैं। जल्दी करो ज्यादा जल्दी कर रहे, टाइम लेट थी ना पहला से बंदे बैट्समैन ठंडा थी तू टेबल ले रहे हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 21 22 स्कोर 22 स्कोर सजाद कह रहे हैं 22। 3 गेंदों पर 3 छक्कों की हुई है हैट्रिक सजाद को, मैं इस हैट्रिक पे मैच के बाद 50 रन नकद इनाम दूंगा। हाँ 50 रुपए निर्स जिनके स्कोर बढ़ता हुआ 28 रहमतुल्ला शेख को विकेट रोकनी होगी अगर ये मैं अच्छा खासा स्कोर निकला है 2 ओवरों में 4 ओवरों में अब बाकी है 62 स्कोर। चौबीस बॉल 68 रन नहीं बल्कि 62 रन 4 ओवर में तकरीबन 60 रन बाकी हैं। सही बोल प्यार आया है अच्छे छक्के लगाए हैं सजाद मुनीर ने, 3 गेंदों पर 3 मुसलसल छक्के। फारूक शिरानी को दोबारा लाया गया है, हाफिज खलील को पहला ओवर अच्छा कराया था, 1 विकेट भी हासिल की थी, स्कोर भी 8 दिए थे। अगर इस ओवर में 14 स्कोर 16 स्कोर निकल जाते हैं तो अच्छी खासी पोजीशन होगी बागी क्लब की। अंपायरों से गुजारिश है कि मैच को जल्द अज जल्द कराया जाए, जल्द कोरोना वायरस आ जाए, कोरोना मजीद बढ़ रही है। रहमतुल्ला शेख सामना करेंगे हाफिज खलील का, हाफिज खलील अच्छी बॉल कराई है, पहली गेंद पे 9 बॉल हुई है और होगा 6 रन। नहीं हर ओवर दसावर कार है वो आप आधे करो चप्पल तोड़ गया ट्रेस बॉल पहले ओवर द बाद मुक वे इधर बहुत गर्मी है। स्कोर तो साफ गिनो इधर अपना 35 कमक को कर दे, स्कोर बढ़ता हुआ 35 इसमें बोलो बहुत अच्छी चीज है। रहमतुल्ला शेख ने अच्छा सिक्स लगाया है, देखते हैं कि फ्रीड का क्या फैसला होता है। वेरी गुड चप्पल को ट्रेस बॉल 9 बॉल अस्ता 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 खबर हम था सजा छोड़ यार फरीट मिलेगी यार तू अंपायर है अल्लाह अरसलान मैं भी मरे ना फरीट मिलेगी रहमतुल्ला शेख को टाइट बॉल कराई है हाफिज खलील ने वाइट आई स्कोर बढ़ता हुआ 35 इस ओवर में 50 करना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। एक गेंद हुई है स्कोर आया है 7 स्कोर बढ़ता हुआ 35 तीसरे ओवर का खेल जा रही एक गेंद हुई है दूसरी गेंद कराएंगे रहमतुल्ला शेख को एक बार फिर अच्छा शॉट खेला है फील्डर मौजूद है नसीब अच्छी फील्ड किया नसीब ने 2 स्कोर आसानी से हासिल कर लिए हैं थ्रो का स्कोर भी मिल सकता है लेकिन हाफिज खलील ने अच्छी फील्ड की थ्रो को रोका स्कोर बढ़ता हुआ 9 इस ओवर का
37। हम सरवर खान साहब ना के नहायत ही मशहूर हैं कि वो वेरी गुड। सरवर खान साहब ना के हमारे कैंप में आए हुए, हम उनके नहायत ही मशहूर हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 37, दो गेंदे हुए हैं इस ओवर की। रहमतुल्ला शेख अच्छा शॉट खेला है, अच्छा शॉट खेला है, सामने फील्डर मौजूद है, अच्छा बॉल को फील्ड किया है, सिंगल का इजाफा। तीन गेंदों पर स्कोर आए हैं 10। अगर ये मास्टर ये मैच जीता है तो मास्टर झूमर दिखाएगा इस मैच के बाद। हाफिज खलील बॉल कराएंगे सजाद मुनीर को। ओहो यारकर लेंथ बॉल कराई है हाफिज खलील ने, लेकिन सामने टांगे मौजूद थी सजाद मुनीर की। सजाद मुनीर को एक छक्का तो दो गेंदों पर करना ही पड़ेगा अगर ये मैच दरमियाना करना है तो। आराम कर, आराम कर। शबे जई गलूना, शबे जई, शबे जई, शबे जई गलूना, शबे जई। ठीक है जो भी है। हाफिज खलील बॉल कराएंगे सजाद मुनीर को, वाइट बॉल कराई है, वाइट बॉल कराई इस बार। स्कोर बढ़ता हुआ 39। उनतालीस उसका गिटो बेटा यार ऐसा गेंदा चार था, त्रै था, त्रै त्रै चार चार गेंदा चार था। अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद नहीं है, दो स्कोर हो जाएंगे यकीनी तौर पे, दो स्कोर हुए यकीनी तौर पे। स्कोर बढ़ता हुआ 41। अगर आखिरी गेंद पे छक्का होता है तो स्कोर बिल्कुल ही अच्छा होगा बागी क्लब का, लेकिन यह भी देखना होगा कि अमार सुल्तान के पास बॉलिंग भी पीछे कम है, एक ओवर तो कम से कम इनके पास ढीला होगा। 41 स्कोर, तीसरे ओवर का खेल जारी। अच्छा ओवर कराया हाफिज खलील ने पहली गेंद पे। 41 के बाद डबल बनाया 41 होगा। खैर खैर आपकी मेरे हिसाब वाली मशीन थोड़ी ढीली है। खैर खैर अच्छा स्कोर कितना बाकी रह गया 49 90-41 49 रन, 18 गेंदे 49 रन बाकी है। खैरुल्ला पीछे बैठे हुए हैं, खैरुल्ला मेरे ख्याल में उनको छक्के आए हुए हैं। गुलमीर खान शिरानी अच्छी बैटिंग की थी गुलमीर ने, देखते हैं बॉलिंग में अपना जादू मनवाते हैं या नहीं। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गलत बात है। 41 स्कोर, 41 गुलमीर बॉल कराएंगे रहमतुल्ला शेख को, पहली बॉल वाइट बॉल होगी। स्कोर बढ़ता हुआ 42। अगर ये विकेट खड़ी रही तो ये मैच कुछ भी हो सकता है। गुलमीर को आउट करना पड़ेगा एक ना एक खिलाड़ी को। गुलमीर बॉल कराएंगे रहमतुल्ला एक बार फिर, अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 43। एक बार फिर वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 44। तीन मुसलसल वाइडें कराई है, लगता है एज निकालने के चक्कर में है गुलमीर। स्कोर बढ़ता हुआ 44, कोई भी गेंद नहीं हुई अभी तक। फिर वाइड डाला, आहा एज निकला है, जरूर निकला है। दो रन हो गए, चिकड़ में गई है गेंद, चिकड़ में गई बॉल। ओ ख्याल 5 स्कोर, एक गेंद पे 5 स्कोर आ चुके हैं, 3 वाइडे और एक धुका। स्कोर बढ़ता हुआ 46। दूसरी गेंद
अच्छा शॉट खेला, सामने फील्डर मौजूद है इनाम कासिम, बाल को अच्छी तरीके से फील्ड किया, एक स्कोर का इजाफा, दो गेंदों पे आया स्कोर 6, स्कोर बढ़ता हुआ 47। अब आए सजाद मुनीर, सामना करेंगे गुलमीर का, 49 गुलमीर शिरानी जबकि सजाद मुनीर वजीर 45। दो गेंदे हो चुकी है इस ओवर की, अच्छा शॉट खेला सजाद मुनीर ने, करारा छक्का लगाया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 53। 3 गेंदे हुई हैं, 53 रन हो चुके हैं, 53 रन सजाद मुनीर टाइट बैटिंग करते, ओ यार कर बाल कराई है आखिर गुलमीर ने और पत्ता साफ किया है सजाद मुनीर की इनिंग्स का। सजाद मुनीर अच्छी इनिंग्स खेल के आउट हुए हैं, लेकिन वो ये है कि मैच को बना के दे के गए हैं, 2 गेंदे अभी भी बाकी हैं, 1 छक्का लगता है तो स्कोर होगा 60, बाकी 2 ओवर में 30 रन बचेगा, तो उनके पास 1 ओवर अभी भी ढीला मौजूद है, तो सरवर खान सबरनाक भी बैटिंग के लिए तैयार है, देखते हैं वो क्या करते हैं। दो गेंदे अभी भी बाकी हैं, खैरुल्लाह को विकेट रोकनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो, स्कोर 53। वाइड बॉल, पीछे बंदा खड़ा यार लेट थी, स्कोर हुआ 54। 2 गेंद अभी भी बाकी हैं, रंगपुर क्रिकेट क्लब ये मैच हो रहा है रमक में, वाइड बॉल एक बार फिर वाइड बॉल, स्कोर बढ़ता हुआ 55, स्कोर बढ़ता हुआ 55, रमक तहसील प्रोहा जिला डेरा इस्माइल खान में ये मैच हो रहा है, तहसील दो गेंदे अभी भी बाकी है इस ओवर की, अच्छा शॉट खेला है, सिंगल हो जाएगा तकरीबन, दूसरे रन की कोशिश है, सिंगल हुआ है, स्कोर बढ़ता हुआ 56। रामतुल्ला को ये बाउंड्री करने पड़ेगी ये इस गेंद पे, स्कोर बढ़ता हुआ 56, 34 रन बाकी हैं 13 गेंदों पे, रामतुल्ला शेख आखिरी बॉल, आखिरी सही है यार, हर बंदा गिरता बैठे, छप्पन स्कोर, आखिरी बॉल वाइड बॉल, एक बार फिर वाइड बॉल कराई है गुलमीर ने, स्कोर बढ़ता हुआ 57। अभी 33 रन बाकी है, ये वाला गोल, 13 गेंदों पे बाकी है स्कोर 33, ये आखिरी बॉल कराएंगे, एज निकला है, एज निकला है, लेग भाई हुई है मेरे ख्याल में, बोल तो कौन ही, लेग भाई का इशारा दे रहे हैं सामने वाले अंपायर, 33 बाकी 33, 12-33, 4 ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर हुआ है 57, लेग भाई हुई थी, क्लियर लेग भाई थी, सतवंजा स्कोर, 2 ओवर में 33 रन बाकी हैं, ओवर के लिए अब आए हैं फारूक शिरानी, अगर ये मैच जीतना है तो आखिरी ओवर में 12-13-14 रन बचाने होंगे, 20 रन हर सूरत में करने होंगे बैट्समैनों को, बारह गेंदे 33 रन बाकी, स्कोर बढ़ता हुआ 57, पहली गेंद 5वें ओवर की, सामना करेंगे खैरुल्ला, बॉल करेंगे फारूक शिरानी, फुल टॉस बॉल कराई है हाफिज खलील के सीधा हाथों में गई और ये रन आउट हो गए, कोई भी जरूरत नहीं थी भागने की, ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, रामतुल्ला शेख का आउट होना टर्निंग पॉइंट, मास्टर किफायत खुद ही आए हैं बैटिंग के लिए, दूसरी गेंद सामना करेंगे खैरुल्ला, एक बार फिर अच्छी बॉल कराई है फारूक शिरानी ने, ऑफ साइड पे मिस हुए हैं, 2 गेंदे मिस हो गई हैं, विकेटों को छोड़ना होगा, स्कोर बनाना होगा, एक विकेट मिली, 10 गेंदे 33 रन पाते थे, एक विकेट भी खरीद लिए फारूक, अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद है, देखते हैं क्या होता है, आउट हो गए हैं मेरे ख्याल में,
तीन बालों पे दी कैच किसने किया? तीन नसीब नसीब ने अच्छा कैच किया है। मास्टर आए हैं बैटिंग के लिए, उनके साथ तीन गेंदे बाकी हैं इस ओवर की। तीन बालों पे दो विकेट, नौ गेंदे 33 रन बाकी। अब आए बैटिंग के लिए मास्टर किफायत, जबकि उनके साथ नए बैट्समैन है इस्लामीर। इस्लाम में अमीर, इस्लाम का अमीर सलाखीर। फारूक शिरानी ने मैच चेंज कर दिया है, दो रन हो गए हैं, दो रन हो गए हैं। आठ गेंद 31 रन बाकी, बाकी क्लब यकदम ही डाउन होता हुआ। क्लब का यार कर बाल कराई थी, ओह दो रन हो जाएंगे, दो रन हो गए, दो रन हो गए, दो रन हो गए। 29 रन बाकी, सात गेंदे 29 बाकी। और नहीं हुआ? नहीं, लग गया था आउट। क्या किया? कैच नहीं, डेड बॉल है। स्कोर हुआ है 59, 59 नहीं 61, 61 29 रन बाकी, सात गेंदे 29 रन बाकी, जो के तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। ट्राई बाल खाली, मास्टर किफायत को छक्का मारना पड़ेगा, ये विकेट गिरी है। नो बॉल का इशारा अगर आ जाए तो अच्छा होगा। यार एक सारे ऑर्डर तक नो ही नहीं होता। छह गेंदे 29 रन बाकी, जो के तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है इन बैट्समैनों के होते हुए। एक गेंद अभी भी बाकी है, सुना है सबरनाक भी बचा है, सबरनाक भी बाकी है। चार गेंद, चार छक्के बाकी होंगे तो फिर आएंगे सबरनाक। ओवर ठीक है, ठीक है इकबाल मंडे यार, ओवर छक्का करना पड़ेगा। दो रन हो गए, रनिंग 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 रनिंग, चार बढ़ाओ चार। बस बस हुड़ बढ़ाओ, हुड़ बढ़ाओ, ओवर थ्रो दे बाद बढ़वा में आने के। 25 रन बाकी, 6 गेंदे, 25 बाकी, 25 बाकी, 25 बाकी, 6 रन। उतर सारे द्रावणी थे, तुम ग्राउंड है, वो बोंगाडा ग्राउंड है, बात नहीं गया होते। तकरीबन क्रिकेट वाले टीम हो से तकरीबन उन होते 20 22 पीछा हो से एक ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड है, वॉलीबॉल बहुत सारे ग्राउंड है, तमाम बड़ा ग्राउंड है। उते ही में खेल देने बाद कुछ कीपर कुछ उठवे ने बस सिंगल डबल देवे। ए क्यों होंदे ना कार कोई नहीं होंदे भाई, कार होंदे ना इने होंदे तो कड़म जगह को बाल निकल गई है चौक भाई, कार होता ना भाई। छह गेंदों पे चार छक्के बाकी हैं, चौका है, छह गेंदों पे चार छक्के बाकी हैं, छह गेंदे 25 रन। सबर सबरनाक, सबर सबरनाक, सवार सबरनाक, सवार सबरनाक आया है। आखिरी ओवर कराने के लिए आए नसीब महसूद, आखिर 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 अन्ना की टीम का बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं बाबू खान। जा नहीं रहा, मेरी डैडी की टीम है, मेरे ग्रैंड मदर। नसीब पहली बॉल मिस हो गई है, ग्रैंड मदर बहुत बाबू पता नहीं क्यों खुश हैं। इसलिए को केरा केरा पांच गेंदे चार छक्के बाकी। नसीब अच्छी बॉल कराते हुए, अच्छा शॉट खेला सीधा ऊपर की तरफ, ओहो ठाकरा हो सकता है लेकिन एक सिंगल बना है। बाल दी टेप तो देखो यार, चार गेंदे 24 रन बाकी। बड़ी बहन ने 24 है, इसके बारे में चार से की प्रगति मारो। चार गेंदे 24 रन बाकी, वाइट बॉल हुई, ओए किसको लग गया को, चार बालों पर चार बाल 23 रन बाकी। अमीर अमजा ने वाइट वाइट ने की भाई जा निकले से इजाज हां त्रे त्रे चार बाल बाला त्रे चार है तेज पूरी मैच के बाद इजाज घर पर जाएंगे उसकी बुक
बुकिंग हो गई उबर की, बुक हो गई इसका टीम। अच्छा बुक हो गया। हाँ बुक हो गया, बुक हो गया। फिर क्या हुआ बुकिंग? और तो वाइड मत गई, वाइड भी गई। चार गेंद 23 रन बाकी, नसीब बॉल कराएंगे। अच्छा बॉल कराया नसीब ने, वाइड मांग रहे हैं लेकिन वाइड अंपायर की तरफ इशारा के नो वाइड। तीन गेंद 23 रन बाकी, अच्छा खासा जीता हुआ मैच। रहमतुल्लाह शेख का रन आउट होना मैच का टर्निंग साबित हुआ। वाइड बॉल कराई है, तीन गेंद 22 रन बाकी। तीन गेंद 22 रन बाकी। सरवर साहब उरना को भेजना होगा इसके बारे में। तीन गेंद, अंपायर खड़ा हो जा, ड्रामे पा दिए। नो बॉल। कोई गल सारे तो कोई कह नहीं वाइड बॉल, दो गेंद 18 रन पाते थे। दो बॉल में तीन छक्के अब आए सरवर खान सबरनाक। अगर एक छक्का लगाते हैं तो मैं कमेटी की तरफ से इनको 12 स्कोर लेके दूंगा। ठीक संगदे, अगर ये सरवर खान छक्का लगाते हैं तो 12 रन हो गए मुफ्त में, 12 रन मिलेंगे छक्के के। छक्का लगा दिया है, एक गेंद 6 रन बाकी। ओ पानी रह गई है, ए जालिमा बड़ा लाठ को वाली है। एक डूए मां है के छक्का है, बॉडी 2 रुपए चिकाड़ी से भाई पे है तेरी किस्मत। आले रंदा पर 16 एक बार 16 सितारा है। सरवार साहब उरनाक बना सकता है लेकिन कोशिश कर। इस तरह ये मैच अमान सुल्तान क्लब ने जीत लिया है। इंशाल्लाह कल मैच के साथ हाजिर होंगे।